नमस्कार, अपर न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। एमालेक सहमति बगैर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता करेबाक सत्तारूढ़ दल आ मधेश केन्द्रित दल सब के निर्णय। सड़क निर्माण के मांग करत जनकपुरक विश्वकर्मा चौक के स्थानीय वासी से आंदोलन यथावत, दिनभर सड़क अवरुद्ध। सांसद सभक तलब भत्ता बढ़ाओल गेला पर काठमांडू में विद्यार्थी से विरोध, पारित विधेयक फिरता लेबा के मांग। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के डीन सिम के राजीनामा मांग करत मेडिकल विद्यार्थी से त्रिभुवन विश्वविद्यालय घेराव। आ पोखरा में अल्ट्रालाइट दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के चेतावनी के बावजूद सरकार संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता करेबाक निश्चित भेल अछि। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भेल त सदन भीतर आ बाहर आंदोलन चरकेबाक प्रतिपक्षी दल के चेतावनी के बावजूद सरकार सत्ता साझेदार दल आ मधेशी मोर्चा बीच के सहमति के आधार में संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता करेबाक निर्णय में पहुँचल अछि। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में बुध दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड, सत्तारूढ़ दल आ मधेशी मोर्चा संग छलफल कर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता करेबाक निर्णय में पहुँचल छथि। विचार में प्रधानमंत्री दहाल मोर्चाक माग संबोधन होब जका संविधान संशोधन दर्ता करेबाक जानकारी समेत करौने छलथि। ओ संविधान के सर्वस्वीकार्यता के सहज बनाब, सीमांकन, भाषा, राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व आ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के विषय समेट कर संशोधन दर्ता कराओल जेबाक बतौलने छ। सीमांकन के विषय में सरकार में सहभागी दल सब समेत एकमत नै भेला से संविधान कार्यान्वयन आ स्थानीय तह के निर्वाचन के वातावरण बनाब मोर्चा के नोट ऑफ डिसेंट लिख के हाथ तैयो सहमति में आब प्रधानमंत्री दहाल आग्रह कने छल। बैसार में संविधान में भेल व्याख्या अनुसार नबलपुर आ परासी के थावत राखल गेल रहितो गुलमी, पालपार, खाँची, प्युठान आ रोल्पा के एकटा प्रदेश में राखबाक सहमति भेल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं भौतिक पूर्वाधार मंत्री रमेश लेखक सरकार असंतुष्ट मधेशी मोर्चाक माग संबोधन होब जका संविधान संशोधन के प्रस्ताव अगाड़ी बढ़ौने बतौलने अछि। मंत्री लेखक संविधान के सर्वस्वीकार्यता बढ़ाब मोर्चाक माग एकमुष्ट रूप में समाधान कर जका संशोधन दर्ता करेबाक सहमति भेल जानकारी देने छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेशी मोर्चा को सब नेताहरुको बीच में चाहिँ त सौहार्दपूर्ण छलफल भएको छ र सकारात्मक छलफल भएको छ। यसले अब के भने अब यो संविधानको स्वीकार्यतालाई सुनिश्चित गरेर निर्वाचन गर्ने दिशातर्फ मुलुक जाने एउटा वातावरण बन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ त सहमति भएको छ र संविधानमा परिमार्जन गर्ने यी विषयहरूमा अहिलेसम्म जसरी उठ्दै आएका विषयहरू तिनमा परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने कुराको बारेमा नै छलफल केन्द्रित भएको छ र सकारात्मक छलफल। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन स्थानीय निकायको सीमाङ्कनको विवादमा सर्वसाधारणको भावना अनुरूप छलफल करैत जेबाक आ संविधानको सर्वस्वीकार्यताको अगाडि बढेबाक सहमति भेल विचारमा जानकारी गराउने छल। ओ सीमाङ्कनको संवेदनशीलताको देखकर सरकार सीमा निर्धारण गर्बाक तथा वैवाहिक अधिकृत महिलाको नागरिकताको विषयमा मात्रै विवाद रहलासँग संघीय आयोग गठनको क्षेत्राधिकार बढाएर समस्या समाधान गर्बाक सहमति भेल समेत उल्लेख गरेने छ। सत्तारूढ पार्टीहरू बसेर जति छलफल भएको छ त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने भन्ने आज समझदारी बनेको छ। यसमा सीमाङ्कनको विषय, भाषा सम्बन्धी विषय, त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय र नागरिकताको विषय लगायतका विषयहरू र अरू कतिपय प्राविधिक विषयहरू जो नियमित रूपले संविधानमा कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका प्राविधिक विषयहरूसहित समेटेर संशोधन प्रस्ताव छिटै दर्ता हुन्छ। कङ्ग्रेस र एमाले संविधान निर्माणको क्रममा सात प्रदेशको एउटा खाका प्रस्तुत गरेको थियो। मुख्य आधार त्यसलाई बनाएर प्रस्ताव जान्छ। मुख्य आधार भन्नाले नवलपरासी, नवलपुर र परासीको रूपमा पहिले नै संविधानमा व्यवस्था भइसकेका हुनाले सायद त्यसमा चाहिँ त्यही रूपमा जान्छ, त्यसलाई फेरि चलाउने हुँदैन। त्यसै गरी त्यतिखेर रोल्पा र प्युठानलाई त्यतिखेरको छैटौँ प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएको थियो। अहिले
पाँच नंबर प्रदेश का पहाड़ एक जुन ठाउँ गए पनि एकै ठाउँ रहने गरी जान्छ। गुल्मी, पाल्पा, अरेखाची, रोल्पा र प्युठान एउटै प्रदेशमा राखिन्छ, त्यो अलग अलग हुँदैन, चार वा छमा जान्छ, या चाहिँ अब अलग प्रदेश पनि हुनसक्छ, त्यो छलफल छ, तर मोटामोटी रूपमा त्यस एकै ठाउँ रहन्छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी माग सम्बोधनका विषयमा ठोस सहमति नै भेल रहेतो प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं संशोधन गराइएको सर्वाक बताउने उल्लेख गरेन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताक सवालमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भेल बमोजिमके व्यवस्था क संशोधन गराएब ओ कहने स्वयं सब आश्वासन पाउने समेत ओ जानकारी दिलेन। प्रधानमन्त्रीले पुनः संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो, हाम्रो कानले सुन्यो। उहाँले नै वचनबद्धता के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले समय घरकै हुनाले मेरो तर्फबाट उहाँले भन्नुभयो संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँछु, तपाईँले ल्याउनुहोस् त सही कमसेकम। यो त सुन्दा सुन्दै हामी बुढो भई उनलाइसक्यौँ। संसद यो कहिले भारत जानु अगाडि भन्नुहुन्छ, कहिले भारतबाट फर्केपछि, कहिले दसैँको बेलामा, कहिले छठमा, अहिले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ हामी सुन्यौँ दर्ता गराउनुहोस् त। पहिलेदेखि भनिराख्नु भएको छ चारवटा विषयमा प्रस्ताव संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँछ, सीमाङ्कन, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, भाषा र नागरिकतामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विषयमा। त्यो पहिलेदेखि नै भनिराख्नु भएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत भनेको अन्तरिम संविधानमा जे जसरी लेखिया छ नि व्यवस्था, त्यसै अनुसार अगाडि बढाउनु। वैवाहिक अङ्गीकृत भनेको विचारमै तमलपाक अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठी, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो लगायतका नेता सब समेत सहभागी भएल छलन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विचारमै सहभागी नै छला। सरकार ऐसागु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग बेरबेर केने छलफलमै संविधान संशोधनमै सहमति नै जुटलाके बाद मधेसी मोर्चाके सहमतिमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेबाक तयारी केलकै छ। सरकार दुई तीन दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेबाक तयारी केने समेत नेतासब बतौलकै छ। सड़क निर्माण के काम के मांग करैत जनकपुर के विश्वकर्मा चौक में स्थानीय वासी सब आई समेत सड़क अवरुद्ध कैलक। जनकपुर के जीरो माइल मुरली चौक सड़क खंड निर्माण के मांग करैत स्थानीय वासी सब आठम बेर आंदोलन में उतरल। ओ सब आई समेत विश्वकर्मा चौक में भोरे से सड़क जाम करैत प्रदर्शन कैने छल। सरकारी पक्ष अपना सब संगे बेर बेर सहमति कैने रहितो कार्यान्वयन नहीं कैने हुनका सबके ऊपर आ गई। अपने के तीन दिन भग तेसरो दिन चल रहा है, अखन धरी कोनो किस्म के संबंध निकाय से कोनो किस्म के पहल नहीं भेल रहे। आंदोलनकारी सब आई भोरे सात बजे से फिर से साँझ में सात बजे धरि सड़क अवरुद्ध कैने छल, जाय के कारण जटही से आबे वाला काठमांडू जाय वाला लंबा रूट के यात्रुवाहक रात्रि बस सब के शिव चौक, भानु चौक होत, रेलवे होत, पिराड़ी चौक जाय पड़ल छल। ओ सब सड़क निर्माण नै होब धरि आन्दोलन अहिना जारी राखब चेतावनी समेत देने छ। मधेसमे सड़क निर्माण के लेल बेर बेर आन्दोलन होइत आयल अछि। जनकपुर के मुरली चौक जीरो माइल सड़क निर्माण के लेल किछु दिन सँ आन्दोलन जारी अछि। जर्जर सड़क के कारण सँ ओतुका स्थानीयवासी विभिन्न किसिम के समस्या भोग बाध्य बनल अछि। एहि विषयमे आन्दोलनमे रहल सर्वसाधारण सबसँ पूछने छलहुँ, सड़क निर्माण नहि भेलासँ केहन समस्या सब भोगऽ पड़ि रहल अछि, अहाँक बात जहिनाक तहिना। भात खाए जोग नहीं छै, अगर बगल में घर छै, एते स्पीड में गाड़ी अबै छै कि टोला सब भात खाए रहल छै, भात में पुरि जाइ छै। जब भात में पड़तै तऽ ओहिसँ बुझि लियौ कि स्वास्थ्य कते हानिकारक हेतै। एक दोसर बच्चा सबके अगर पड़ि रहल छै ओहि अवस्थामे पूरा अगर 10 मिनट अहाँके घर नजदीकमे सड़क नजदीकमे छै तऽ ओ अहाँके बैसिकऽ पढ़ि नहि सकैए, बच्चा सब एहन अवस्था छै। देख रहल छी जेना स्थानीय जतेक बड़ व्यापारी सब अपन अपन शटर बन्द करके बैठल अछि, एकर मतलब स्पष्ट छै जे गर्दासँ ई कतेक प्रभावित छथिन। गर्दासँ होवला जे रोग सब छै ओकर ई तऽ प्रभावित भऽ चुकल आदमी सबके कारणसँ बाध्यता बस जे एकर बन्दी करऽ पड़ल अइ, ढाट लगाबऽ पड़ल, ई बाध्यता बस। स्वास्थ्य सबसे बड़का सम्पत्ति, लेकिन इहे गर्दा जे आदमीके भीतरमे जाइ छै से फेफड़ा सबमे कतेक असर करै छै, श्वास पर श्वास लगाइत, ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकियल आदमी सबसे भऽ रहल छै, एते मात्रे नहि ओहिके लगात अहाँ कैंसर तक हो जाइ छै। ई सबके न्यूनीकरण के करतै? आदमी साँस लै छै तऽ आब धोला गर्दा तक पड़ रहल छै, आदमी सिगरेट पिए छै बेसी तऽ धोला गर्दासँ मर रहल छै। कि आइके डेटमे एते धोला छै कि अहाँ 2 मिनट तकमे
मतलब ग्रह नहीं सके रोड पर कि पूरा धूला से अस्त व्यस्त आदमी के जीवन से एकदम होते रहे कि हम सभी नहीं तोड़बे मतलब हो पे जब तक निर्णय नहीं होते तब तक हम जीवन नहीं छोड़बे समस्या होती है स्वास्थ्य प्रसाद में तो सबसे बेसि असर असर पड़े वैसे अहाँ के निमोनिया भ सके अहाँ के टीबी भ सके स्थानीय वासी सबके तो सबसे बेसि समस्या है अहाँ के मधेशी सबके अपमान करवा क्रम एखनो नहीं रुकल है पहचान सम्मान समानता आ अधिकार के लिए संघर्षरत मधेशी सब एखनो कोनो न कोनो रूप में अपमान के सामना कर रहा है अपमानित होबे वाला में चाहे एक सर्वसाधारण आम मधेशी हो या उच्च ओहदा में रहल विशिष्ट व्यक्ति के लिए हो काठमांडू में विभिन्न रूप से अपमानित भैर एक रिपोर्ट 250 वर्ष से अपने देश में दोसर दर्जाक नागरिक बनकर रह पड़ल कहित मधेशी सब बेर बेर आंदोलन कलक एखनो कोनो न कोनो रूप में मधेशी सब संघर्ष करते तैयो अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल होब नहीं सकल मधेशी सबके एक एक किस्मक मांग के लिए बेर बेर आंदोलन कर पड़ रहा ओना त आंदोलन सब से मधेशी पहचान पौने मधेशी सब अखन गर्व के साथ कहे छे हम मधेशी छी मुदा किछ व्यक्ति के मधेशी सबक ई उपलब्धियो नहीं पचल ओ सब मधेशी के रंग पहिरन भाषा के संगे परंपरा आ संस्कृति ऊपर प्रहार करत आयल ओ सब एकेटा भाषा एकेटा भेषक महेंद्रकालीन सिद्धांत स्थापित कर चाहि रहल अछि मधेश आंदोलन उत्कर्ष में रहल समय में मधेशी सपूत शहादत दऽ रहल समय में दू चारिटा आम झड़ले पर किछु नहि भऽ सकबा कहि कऽ अभिव्यक्ति देबाक काज कयल गेल मेची सब महाकाली धरि भेल मानव सिकड़ी के माखे सांगलो कहि कऽ मधेशी के अपमान कयल गेल कहियो मधेश प्रदेश चाही त यूपी आ बिहार जाऊ कहि कऽ आत्मसम्मान में चोट पुगेबाक काज कयल गेल एना कऽ मधेशी के अपमान करबाक क्रम मधेश आंदोलन के बाद सेहो नहि रुकल ई क्रम एखनो जारी अछि कारी वर्णक मधेशी कारी दिवस मनाब चाहि कऽ अपने के अपमान कर खोजल गेल कहि कऽ रंगभेदी अभिव्यक्ति देल गेल मुदा एखनो मधेशी के अपमानित करबाक क्रम में लगाम नहि लागल बात पछिला दूटा घटना सेहो पुष्टि कयलक अछि अघन 5 गते काठमांडू में भेल एक कार्यक्रम में गृह मंत्री बिमलेन निधि के भाषाक विषय के लक अपमानित कयल गेल बहुत भारतीय अतिथि उपस्थित रहल कार्यक्रम में हिंदी में भाषण कर खोजत काल नेपालिये में बाज पड़त कह कर दबाव देवा काज कल गेल ओना तो ओ ककरो दबाव में नहीं पड़ नेपाली आ हिंदी दोनों भाषा में भाषण कने छले नेपाली बोल्छु पाहुनाहरू हिन्दी भाषा भाषी देश बोल्नु छ उहाँको भाषा सम्मेलनमा भन्नुहोस् त तपाईँहरू संकुचित नभन्नु अतिथिलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ म नेपालीमा पनि बोल्छु र पाहुनाहरूलाई हिन्दीमा बोल्छु तपाईँहरूले धेरै कुरा नबोल्नुहोस् एना कऽ कहियो भाषा तऽ कहियो पहिरनक नामे मधेशी के अपमान सह पड़ि रहल अछि भाषा के कारण गृह मंत्री निधि अपमानित होवऽ पड़ल दू दिन पहिने मात्रे पहिरनक विषय के लऽ कऽ मधेशी महिला के अपमानित कयल गेल अघन 3 गते सप्तरी में भेल एकटा कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की मधेशी महिला घोघ भीतर रहले के कारण समानुपातिक समावेशी पहुँच पाब नहि सकल जेहन आशय के अभिव्यक्ति देने छलथि त्यो समानुपातिक समावेशीको कुरा चाहिँ हुन त मैले यसरी बोल्ने गरेको छैन कहिले पनि तपाईँहरूले आज मलाई बाध्य बनाउनु हो खास कुरो के हो भनेदेखि मैले सबै कुरो भनेर हुँदैन समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ नहुने होइन किन कानुन र संविधानले दिएपछि त समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ अब महिलाहरू भएन भनिन्छ भने महिलालाई घुम्टो ओढाएर चाहिँ पढाउँदै नपढाएर राख्ने फेरि त्यहाँनिर चाहिँ गएर समानुपातिक समावेशी भएन भनेर किन कराउनु प्रधान न्यायाधीशक यी अभिव्यक्ति के अखन चौतर्फी विरोध भ रहल अछि ई तऽ उदाहरण घटना सब मात्र अछि मुदा आम मधेशी एना कऽ दैनिक जीवन में कतेक अपमान भोग रहल अछि ई बात के सहजे अनुमान लगाओल जा सकैए तैं कागज में नया संविधान बना कऽ वा संविधान संशोधन कऽ कऽ मात्र साझा नेपाल निर्माण नहीं भ सकबा में सब सचेत होब आवश्यक अछि
साझा नेपाल निर्माणक लेल पहिने मन वचन कर्म व्यवहार प्रवृत्ति आ सोचमे परिवर्तन आनब आवश्यक अछि। अपन टेलिभिजनक लेल अजय शाह शिवाली जनकपुर। पुनः स्वागत छ अपन न्यूज व्या भन्ने बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीक राष्ट्रिय अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारी एमाले संहिता सहितके वर्तमान संविधान लागू करके पक्षमे नै रहलासँ वर्तमान अवस्था उत्पन्न भेल बतौलकै छ। संविधान संहिता आ समावेशिताके पक्षमे बेर बेर एमाले आ खास कऽ केपी शर्मा ओली विवादास्पद टिक्का टिप्पणी केने आ विभिन्न किसिमके अडान समेत लेलासँ एमाले संहिता समानुपातिक आ समावेशिताके पक्षमे नै रहल बात स्पष्ट भेल भण्डारीके दावी छलनि। संविधान के बारे में संघीयता के प्रश्न, समावेशिता के प्रश्न, इस सब प्रश्न में बार बार नेकपा एमाले को विशेष करके ओली जी के विगत में भी देखल गई है कि हमारा सबके एजेंडे नहीं छी और अभी की स्थिति में सब देखल छी कि संविधान संशोधन बिना संविधान लागू नहीं भ सकै छै और संविधान लागू नहीं भ सकै छै तो निश्चित रूप दिव्यांग संघीयता नहीं रहती हुई है। अभी घुमा फेरा के हम सब देखै छी कि शायद नेकपा एमाले इस संविधान बना तो निर्माता है फिर भी संविधान के पक्ष में नेकपा एमाले नहीं है जहां परिस्थिति देखा पा रहे हैं। धनसाक भटियन में आयोजित कार्यकर्ता प्रवेश तथा भेटघाट कार्यक्रम के संबोधन कर उत्तर पहुंचल रामसपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष भंडारी मधेश के मसीहा कहवला कांग्रेस आ नया शक्ति कहवला माओवादी केन्द्र समेत मधेश प्रति उदार नहीं रहला के कारण एखन देश के अवस्था एहन दुर्गति में परिणत होते जा रहा बतौने छल। आई नौबते नहीं संविधान मधेश और जनजाति के पक्ष में ही बनते लेकिन अभी कांग्रेस माओवादी जो अभी हस्ताक्षर जो कहने हैं समझौता जो कहने हैं हम सब उस समझौता के पालन करने के लिए कांग्रेस माओवादी कह रहे हैं और कांग्रेस माओवादी समझौते के आधार पर ये प्रस्ताव संसद में ले रहे हैं। नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र ईमानदार भेल तो देश के सब समस्या समाधान भजेबाक हुनक कहब छलनि। कार्यक्रम में विभिन्न पार्टी परित्याग कऽ दर्जनों व्यक्ति सब राष्ट्रीय मधेश समाजवादी पार्टी में प्रवेश कयलक अछि। कार्यक्रम में सांसद दिनेश शाह नेता विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानु महिला नेत्री मुन्नी दास सहितक सब अपन अपन मंतव्य रखने छल। एकीकरण भेलाके बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पहिल बैसार सम्पन्न भेल अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आ राप्रपा नेपाल बीच एकीकरण भ बनल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बुध दिन पहिल बैसार भेल अछि। बैसार में राप्रपा के अध्यक्ष कमल थापा पेश केने समसामयिक राजनीतिक विषय के प्रतिवेदन पर छलफल भेल अछि। केन्द्रीय समिति के बैसार में अध्यक्ष थापा के प्रतिवेदन पर 36 गोटे केन्द्रीय सदस्य सब धारणा रखने अछि। केन्द्रीय सदस्य पार्टी के महाधिवेशन निचका तह धरि के संगठन एकीकरण संविधान संशोधन लगायत के विषय में धारणा रखने गेल छल। 250 सदस्यीय केन्द्रीय समिति के बैसार काल सम्पन्न भ जायत। फेर से बैसत बुध दिन पहिलका दिन 40 गोटे सब सदस्य सब अपन अपन धारणा रखने अछि। गत सोम दिन राजधानी में विशेष समारोह के बीच राप्रपा नेपाल आ राप्रपा एकीकरण भेल घोषणा कयल गेल छल। एकीकृत राप्रपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा रहत। एकीकरण भेल लगते वही दिन राप्रपा निर्वाचन आयोग N-2063 के धारा 22 के उपधारा 1 बमोजिम दल दर्ता के निवेदन समेत द चुकल अछि। सांसद सब के तलब भत्ता वृद्धि के विरोध में विद्यार्थी संगठन सब राजधानी में प्रदर्शन कयलक अछि। सांसद सब के सुविधा कटौती होब प्रभाग मांग करैत बुध दिन काठमांडू के रत्न पार्क स्थित शांति वाटिका में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शन के बाद आयोजित कोण सभा के संबोधन करैत विद्यार्थी नेता लोकनि तत्काल सांसद सब के तलब भत्ता वृद्धि कर स्वीकृत भेल विधेयक फिरता लेब सरकार के चेतावनी देने छल। नेपाल विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष नयन सिंह महर जनता पीड़ा में रहल बेर में सांसद सब के तलब भत्ता वृद्धि भेनाई आपत्तिजनक भेल कहित फिरता नहीं लेब धरि आंदोलन जारी रखबाक बतौलक अछि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक बेर में सांसद सब अपने अपन सेवा सुविधा वृद्धि केन्द्रित भेलासँ आक्रोश समेत व्यक्त कयलक अछि। अनरा सोबी के अध्यक्ष नवीना लामा भूकंपसँ समेत जनता के आहत बना रहल बेर में सांसद सब के तलब भत्ता वृद्धि कयल गेल कहित आक्रोश व्यक्त कयने छलीह। का लागि पठाएका सांसदहरू देशको नीति नियम बनाउनका लागि पठाएका सांसदहरूले बडो बेमौसमी बाजा बजाएर आफ्नो तलब आफै बढाएको परिस्थिति छ। यसको खिलाफमा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन छ। संविधानलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई थाती राखेर विनाशकारी भूकम्प पीडित
खुला आकाश मुनि सुतेका जनताहरूलाई साच्चै भोकै नङ्गै राखेर जुन अहिले जुन खालको चाहिँ संसदको विधेयक पास गरेको छ यो अत्यन्तै जनविरोधी छ, यो अत्यन्तै राष्ट्रघाती कदम छ, यसको घोर आपत्ति र घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीले यो संसदले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। संघीय संसद के पदाधिकारी आ सदस्य सब के पारिश्रमिक सुविधा संबंध में व्यवस्था करा बनल विधेयक में सांसद सब के तलब भत्ता 1,00,000 से बेसी व्यवस्था कैल गया के बाद विभिन्न क्षेत्र में ओकर विरोध भ रहल छ। विद्यार्थी संगठन सब समेत तलब भत्ता वृद्धि के विरोध में संयुक्त संघर्ष कार्यक्रम सब शुरू कर देने छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी सबके संगठन नेपाल मेडिकल स्टूडेंट सोसाइटी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के डीन डॉक्टर केपी सिंह के राजीनामा के मांग करैत त्रिभुवन विश्वविद्यालय घेराव कलक। वरिष्ठ चिकित्सक अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी रखने मांग सरकार व्यवस्था कैलाके बाद नेपाल मेडिकल स्टूडेंट सोसाइटी वही मांग के आगू घुसकबैत आंदोलन में उतरल। मंगल दिन संस्थान के डीन सिंह के कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन कैल गेल। साथी संगठन बुध दिन भोर में कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यालय के उपकुलपति तीर्थ खानिया के कार्यकक्ष घेराव कने छल। संस्थान के भलाई आ गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा में आम नेपाली के पहुँच स्थापित करवाक अभियान के सफल बनाब समेत सिंह पद से राजीनामा देव परवाक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सागर पोखरेल बतौलक। उच्च चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान में नमहर धनराशि हाथ देखल गला के बाद लूट मचाबक लेल डीन कार्यालय अपने लागि पड़ल दावी करैत उप्रयास सफल होब नहीं देवे के चेतावनी दिलने। नया मेडिकल कॉलेज के संबंधन देवाक एमबीबीएस के विद्यार्थी भर्ना में होता आयल अनियमितता नहीं रुकत तो देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित करवाक समेत वो सब चेतावनी दिलक। आफ्नो पदीय दायित्व र मर्यादा बिर्सेर कुनै संस्थानमा हस्तक्षेप गरेर पूर्व गरिएका सहमतिहरू उल्टाउन मिल्दै मिल्दैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न संस्थानहरू छन्, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान छ, एग्रिकल्चर अध्ययन संस्थान छ, अरू विभिन्न एजुकेसन छ, आर्ट्स छ, थुप्रै छ, तर बारम्बार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमाथि मात्र आक्रमण किन, त्यो निकै रहस्यमय बनेको छ। यो आक्रमण किन एउटै कारणले गर्दाखेरि छ किन भन्दा चिकित्सा शिक्षामा बढी पैसा छ, त्यहाँ बढी लुट्न पाइन्छ, त्यहाँ बढी ठग्न पाइन्छ, त्यही भएर मात्रै उनीहरूले बढी त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न खोजेका हुन्। तसर्थ अब हाम्रो माग भनेको चाहिँ एक नम्बरमा वरिष्ठताको आधारमा दिन नियुक्ति गर्नुपर्छ, दोस्रो नम्बरमा त्रिभुवन उपकुलपतिको राजीनामा बर्खास्ती हुनैपर्छ, र तेस्रो कुरा आइएमलाई स्वायत्त गराउनुपर्छ। डाक्टर केसी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा हुनेवाला अनियमितता अन्त गर माग करैत दशम बेर आमरण अनसनमा बैसल छथि। उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान शिक्षा नियमावली 2073 प्रति गंभीर आपत्ति जनौलक। व्यवस्थापिका संसद के महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण समिति में विचाराधीन विधेयक में निजी आ सामुदायिक विद्यालय के लिए एक ही किस्म के नियमावली के व्यवस्था कैल गेल कहित निजी क्षेत्र के विद्यालय संचालक सब आक्रोश व्यक्त कलक। स्वयं सब देने सुझाव के व्यवस्था करे शिक्षा मंत्रालय नियमावली लौने कहित हिसान बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का नियमावली प्रति आपत्ति जनौलक। ओ सब नियमावली में सचिव प्रभाग कहित 22 बुधे अवधारणा समेत सार्वजनिक कैलक। हिसान के अध्यक्ष रमेश सिलवाल निजी क्षेत्र के प्रवर्धन में सरकार गैर जिम्मेवार देखल गया से स्वयं सब सचिव के लिए आग्रह कने बतौलक। राज्य के लगानी शून्य भेल आ अपना सबके संस्थान ऊपर सरकार उदार नहीं भेल कहित हिसान असंतुष्टि जनौलक। नेपाल यूनेस्को आयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव न्यूनीकरण संबंधी जनचेतना अभिवृद्धि के लिए सरकार वाला सब संगे छलफल कैलक। यूनेस्को विद्यालय स्तर में जलवायु परिवर्तन संबंधी भेल क्रियाकलाप के विषय में छलफल कलक। जनकपुर में शुरू भेल छलफल में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के लिए विद्यालय तह के विद्यार्थी सबके जानकारी देवे के साथे अखन धरि भेल प्रयास सबके विषय में समीक्षा कलक। सम्बन्धी के कस्ता गतिविधि रहेको छ त्यसले एउटा जानकारी प्राप्त हुने हो र यसमा न्यूनीकरणको लागि त्यो प्रेरित हुनेछ भन्ने उद्देश्य हाम्रो छ। यो साथै साथै हामी अझ के बताउन लागेको यो शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकार राख्ने सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जमघट छ। त्यसकारणले अहिलेसम्म भर्खर 2000 अब हामीलाई
सजग भएर के कस्तो गतिविधि अपनाएपछि जलवायु परिवर्तनको पनि असर पनि न्यूनीकरण हो र बेटर हाम्रो क्वालिटी एजुकेसन प्राप्त हुने हो भने हामी एउटा सन्देश दिन खोज्नको लागि यहाँ आएको हो। साथै आजसम्म युनेस्कोको धनुषामा कुनै कार्यक्रम भएको छैन, त्यसकारणले हामी सेलेक्सन गरेर धनुषावासी यो पनि जानुहोस् कि युनेस्को हामीसँग नै सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको एउटा संस्था हो। छलफलमा धनुषा महतरी सर्लाही सिन्धुली रामेछाप जिल्लाके शिक्षा कार्यालयके कार्यक्रम अधिकृत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विद्यार्थी लगायतके उपस्थिति अछि। छलफल तीन दिन धरि चलत बताओल गेल अछि। भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्लाके स्थानीय विकास अधिकारी जनशक्ति नीतिगत अस्पष्टताके कारण पुनर्निर्माणके काम प्रभावकारी हो बने सकल उपराग सुनौलक अछि। भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्लाके स्थानीय विकास अधिकारी सबसँगै स्थानीय विकास मन्त्रालय बुध दिन कैले छलफलमे ओ सब सरकार बजेट परिचालन केने अस्पष्ट नीतिके अभावमे काम करा दिक्कत भ रहल बतौलकै छ। ओ सब जनशक्तिके पर्याप्त अवस्था व्यवस्था होब निसकलासके कारणसँ समेत सरकार रखने अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहमे काम कर नै सकल गेल बतौलनि। सरकार काठमाडौँ उपत्यका बाहेक 11 जिल्लामे 531,964 गोटे लाभग्राहीके पहिचान केने छ। तेनाको उपत्यकाके 3 जिल्लामे 9,472 सेवाग्राहीके पहिचान भेल छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण 4,97,309 गोटे भूकम्प पीडित सबसँगे आर्थिक अनुदानके लेल सम्झौता समेतक चोकल कार्यक्रममे जानकारी कराओल गेल छल। तेना प्राधिकरण एखन धरि पुनर्निर्माणके लेल 27,32,81,15,000 रुपैआ खर्च कऽ चुकल अछि। कास्कीके चापाकोटमे 3 गोटे अटायवला अल्ट्रालाइट दुर्घटनामे पड़ल अछि। दुर्घटनामे 1 गोटेके मृत्यु भेल अछि। कास्केकोट गाविस स्थित लौरुकमे बुध दिन साँझ परितकाल करीब दस बजे अल्ट्रालाइट दुर्घटना भेला पर रशियन पायलट अलेक्जांडर मैक्सिकोमो के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। दुर्घटनामे पड़ि कऽ गंभीर घायल भेल हुनका स्थानीय वासी के सहयोग में पुलिस उद्धार कऽ कऽ इलाज के लेल गंडकी मेडिकल कॉलेज पहुँचौने छल। अस्पताल पहुँचौने लगते हुनका चिकित्सक सब मृत घोषणा कयने छल। दुर्घटनामे पड़ि कऽ अल्ट्रालाइटमे सवार कैनेडियनियर नागरिक एलिन मैरी सामान्य घायल भेल अछि। हुनक हाथमे सामान्य चोट लागल अछि। संसदीय समितिमे सिंचाई सम्बन्धी विधेयक उपर छलफल शुरू भेल अछि। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतके कृषि तथा जलस्रोत समितिके बुध दिनके बैसारमे सिंचाई सम्बन्धमे व्यवस्था करब बनल विधेयक उपर छलफल शुरू भेल अछि। पहिल बेर लाओल गेल सिंचाई विधेयकमे वर्गीकरण सहित सिंचाईके विभिन्न क्षेत्र निर्धारण करबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। सरकार नमहर सिंचाई, बहुउद्देश्यीय योजना, वृहत सिंचाई, भूमिगत सिंचाई, मझौला सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई आ विशेष सिंचित क्षेत्रके अलगे अलग व्यवस्था अनुसार प्रस्ताव कयलक अछि। तहिना कऽ कोनो व्यक्ति वा संस्था सब अनुमति पत्र लऽ कऽ मात्र सिंचाई प्रणालीके सर्वेक्षण तथा विकास करय पड़बाक नया प्रावधानके व्यवस्था समेत विधेयकमे कयल गेल अछि। विधेयकमे विभिन्न सांसद लोकनि 16 बुदामे संशोधन प्रस्ताव दर्ता करौने छल। संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराबयवलामे नेमकी पाक सांसद द्वय प्रेम सुवाल आ दिल्ली काफले छलफलमे अनुपस्थित छल। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लिमिटेडके कर्पोरेट शाखा स्थापना कयल गेल अछि। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर महरा बुध दिन सिंहदरबार स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालयमे आयोजित एक कार्यक्रमके बीच कर्पोरेट शाखाके उद्घाटन कयलनि अछि। ई शाखा समेतक बैंक आब देशभरि 171 शाखा सबके ग्राहक सबके सेवा प्रदान करत। बैंक अपन स्वर्ण महोत्सव के अवसर पारि कऽ सेवा विस्तार कयने अछि। कार्यक्रम के संबोधन करैत उप प्रधान एवं अर्थमंत्री महरा प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में ग्राहक के मन जीतय जकाँ बैंकिंग सेवा संचालन करब वाणिज्य बैंक के निर्देशन देलक अछि। ओ कर्जा आ निक्षेप संतुलन मिला कऽ लजाय प्रभाव में जोर देलनि अछि। वाणिज्य बैंक सब देने सेवा नमूना सेवाक रूप में देखल गेल उल्लेख करैत उप प्रधान एवं अर्थमंत्री महरा ग्रामीण क्षेत्र में रहल तुलनात्मक लाभ के वस्तु सब में कर्जा प्रभाव कर सकल गेल तो देश आत्मनिर्भर होइत जेबाक आधार तय होबाक स्पष्ट कयलनि। निक्षेप र कर्जाको सन्तुलन ग्रामीण र खास गरेर सहरी क्षेत्रको बिचको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। हामीले निक्षेप त ग्रामीण एकजनालाई आकर्षित गरिरहेका छौँ तर कर्जामा नै पर्छ, किनभने कर्जा भन्ने सहरमा टेन्सन धेरै जसको बैङ्कहरू, त्यस कारणले यो क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु हो भने र यो के बढ्छ भन्दाखेरि जनताको आकर्षण पनि बढ्छ र केही नयाँ खालको उत्पादनमूलक काम पनि गर्छ।
त्यसको अगाडि गभर्नमेन्ट पनि हामीले गाउँमा साना खालका उद्योग धन्दाहरू सानसानो खालको उत्पादनहरू प्रशस्तै गरेर जो हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डाक्टर चिरंजीवी नेपाल विगत 22 वर्ष एम्हर वाणिज्य बैंक सब सुदृढ़ होइत गेल कहित खुशी व्यक्त कलने ओ बैंक निक्षेप संकलन क का मात्र नहीं होबाक उल्लेख करते ओकर परिचालन में ध्यान देव पर बाक में समेत जोर दलने गवर्नर नेपाल बैंकिंग सेवा द्रुत दुर्गम क्षेत्र में जनता के घर घर में पहुँचाव वाणिज्य बैंक पहलकदमी लेब पर बाक में समेत सचेत कराने जति सक्यो सबै जनताको खाता होस् ब्याङ्कमा ब्याङ्कमा चाहिँ सबै जनता जसले गर्दाखेरि सरल र सहज होस् वित्तीय कारोबारको लागि भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो। अत्यन्त विकट दुर्गम क्षेत्रमा जानुहोस् अलिकति कस्ट त हाई कस्ट हुन्छ क्यापिटल कस्ट हाई पर्छ त्यही क्यापिटल कस्ट हाई पर्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रममा बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर रविन्द्र प्रसाद पाण्डे भारतका नयाँ दिल्लीमा समेत शाखा खोलके निर्णय कयल गेल जानकारी गराउने छल विस्तारसँग चीनमा समेत शाखा खोलके योजना बनाओल गेल बताओल गेल छल। भइरहनुपर्छ उनीहरूलाई नयाँ नयाँ विधिसँग परिचित गराइरहनुपर्छ। यो मामलामा वाणिज्य ब्याङ्क यस आर्थिक वर्षदेखि पहिला पनि थियो तर यस आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अलि वाणिज्य ब्याङ्क तीव्र गतिमा चाहिँ आफ्नो मानव संसाधनलाई परिचालन गरेको चाहिँ कुरा सुन्दै विशारसँग चालु आर्थिक वर्षभित्रै 25 लाख ग्राहकको संख्या पहुँचाल जेबाक लक्ष्य लिएर गेल छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज बोलिभियामे रौदीके कारण विद्यालय सब बन्द भ गेल छ। बोलिभियामे लम्हर समयके कारण भ रहल रौदीके कारण तीन राज्यमे निर्धारित समय सब 2 हप्ता आगुए शैक्षिक सत्र अन्त कयल गेल बीबीसी जनौलक अछि। रौदी के कारण बोलिविया में पीबे वाला पानी के समेत अभाव भ गेल अछि। तीन राज्य के 1,25,000 से बहुते परिवार प्रभावित भेल अछि। किछ गांव के आदमी सब तीन दिन में एक ही बेर मात्र पानी आबि रहल आ ओहन समस्या रहल बतौलक अछि। राष्ट्रपति एवो मारलेस सोम दिन राष्ट्रीय आपातकालीन अवस्था के घोषणा कयने छल। रौदी प्रभावित क्षेत्र के बासिंदा के शौचालय जाय तथा कपड़ा धोब समेत समस्या भ गेल अछि। रौदी तथा पानी के समस्या समाधान के लिए किछ समय आरो वाटर कैबिनेट बनाल जेबाक बताओल गेल अछि। वाटर कैबिनेट टैंकर मार्फत पानी वितरण के काज शुरू कयने छल। रौदी के कारण सबसे बेसी लापाज शहर प्रभावित भेल अछि। ओतय करीब 1 महीना से पानी के हाहाकार अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से एमालेक सहमति बिना संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता करेबाक सत्तारूढ़ दल आ मधेश केन्द्रित दल के निर्णय। सड़क निर्माण के मांग करते जनकपुरक विश्वकर्मा चौक के स्थानीय वासी सबसे आंदोलन यथावते दिनभर सड़क अवरुद्ध। सांसद सब के तलब भत्ता बढ़ाओल गेला पर काठमांडू में विद्यार्थी सबसे विरोध प्रदर्शन पारित विधेयक फिरता लेब के मांग। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के डीन सिंह के राजीनामा मांग करते मेडिकल विद्यार्थी से त्रिभुवन विश्वविद्यालय घेराव। आ पोखरा में अल्ट्रालाइट दुर्घटना एक गोटे विदेशी नागरिक के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह नमस्कार।